जो रामचंद्र जी भोज करवाए तो तथ्य है और जो और है पूछताछ की जाएगी, पूछताछ जो तहरीर दी गई उस समय छोड़ दो मेरे जो हमारे पड़ोसियों को तो पड़ा हुआ हिंदू करवाइए जो निर्दोष है उनको निकलवाइए निर्दोष जो निर्दोष है उनको निकलवाइए राशिद खान को भी पीछे पड़ेगा राशिद खान को जेल भेज दे तो खुशी मिलेगी केवल दूसरे पक्ष अरे तुम लोग बात कर तो रहे एक आदमी बात कर शांत हो जाओ शांत हो जाओ धमका के आते हैं दुकानदारों को ये दुकानदारों को धमका के आते हैं रोजी रोटी भी छीनेंगे आप क्या किसी भी रोजी रोटी छीनेंगे क्यों करने गए नहीं आप यहाँ पर ये बताइए कि इसमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा बस मैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी बस हमारा मुकदमा बिल्कुल सही कार्रवाई आप ये कहिए कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी आप कहिए निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो सही है अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग नहीं हटेंगे हम लोग नहीं हटेंगे हम लोग नहीं हटेंगे हम लोग को जेल भेज दिया हम लोग नहीं हटेंगे अगर दिन में वो असला दिखाई दे रहे हैं हम लोग उनका मुकदमा नहीं दिखा गया अभी अरे आप ये बताते हैं सुनिए सुनिए खामोश रहो एसपी सिटी साहब क्या बताना बताइए निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप बताइए करेंगे निष्पक्ष कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई निर्धारित होगी जो कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए आए वो पूछताछ बाद छोड़ जाएगा दोनों पक्षों में जो दोषी जो है मैं दोनों पक्षों की बात करिए एक की नहीं मैं सभी की बात कर रहा हूँ सही कार्रवाई जो अब तक एक महीने सुने हुए नहीं नाम जो कहीं कोई जेल नहीं जाएगा जो पूछताछ के लिए आया पूछताछ बाद ढंग से छोड़ दिया जाएगा ठीक अब इसमें जो है जो भी है न्यायवादी निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और इसके बाद शहर का झगड़े में तो दोनों पार्टी होती है चलिए चलिए आपकी बात नहीं संघर्ष हमारा नारा है तो ये अंगड़ाई है।
ऑफिस का घेराव किया गया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, आप भी खुद मौजूद है, क्या पूरा मामला है? देखिए ऐसा है, हमारे बहुत पुराने समाजवादी नेता मोहम्मद राशिद खान साहब 5 बार लगातार मंडी मोहम्मद से सभासद रहे हैं और इस बार भी मात्र 2 वोटों से उन्हें हराया गया है, बेईमानी से 2 वोट से मात्र सत्ता पक्ष के दबाव में। तो आज उनको जब हराया गया है, अब जब जीतने के बाद जो प्रदीप यहाँ के जो सक्सेना बने हैं पार्षद, तो वो अपनी टीम के साथ और लौ लश्कर के साथ यहाँ तक के रेता बदरी की बोरियाँ और ग्रिल सीमेंट की बोरियाँ सब लेकर वो मंडी रात के 11 बजे 14 दिसंबर में उनकी अलाटमेंट ज़मीन पर, और एक मोहल्ले के गरीब आदमी हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा करने दुकान बनाने की नियत से पहुँचे नाजायज ढंग से, जिसे उन्हें पता लगा उनके बेटे आमिर खान की शादी 16 दिसंबर को थी, 14 दिसंबर की रात में ये घटना को अंजाम देने पहुंचे ये लोग, तो वो बचाव करने आए जब खबर मिली उन्हें। बचाव का करने पर चूंकि जब दुकान पर या किसी के मकान पर अगर कब्जा होगा तो आदमी अगर बैठा देखता रहेगा, अपना बचाव भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। उनके हाथ में ना कोई लाठी डंडा था, ना कोई हथियार थे, वो सिर्फ अपनी बातों से समझाने आए थे, अलाटमेंट के कागज दिखाए कि भैया ये कागज में अलाटमेंट दुकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरे भतीजे के नाम है, ये फलां की दुकान है, दूसरे गरीब आदमी की है, ये कागज़ है। लेकिन कहा उन्होंने कि हम पार्षद हैं, जो हम चाहेंगे वो अब होगा, अब ये हमारे कब्जे में रहेंगी, हम इस पर कब्जा करेंगे। उसके बाद फिर जो बातचीत बढ़ी थोड़ी बहुत, उसके बाद फायरिंग करते हुए लोग दूसरा पक्ष भागा और उन्होंने अपना, इन लोगों ने सिर्फ बचाव किया, तो सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई राशिद भाई उनके परिवार वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में 307 से लेकर तमाम गंभीर धाराएं 392 भी लगाई थी। जब सीओ सिटी और कप्तान साहब के संज्ञान में डाला तो सीओ सिटी यहां के जो कहते हैं वीर कुमार जी के 307-392 दोनों जीडी पे नहीं चढ़ाई जाएंगी, जो घटना हुई है मारपीट का अगर मामला है तो मारपीट रखी जाएगी, जो निर्दोष है उनको निकाल दिया जाएगा। इसमें 3 लोग निर्दोष थे, तारिक, नदीम और खालिद, ये वहाँ बात करने भी नहीं पहुँचे थे उस दुकान पर जहाँ कब्जा किया जा रहा था, वहाँ बात करने भी नहीं पहुँचे थे, तो ये लोग तीनों बेगुनाह हैं, इनको निकालने का आश्वासन दिया था और ये कहा था कि 2 लोग अगर मिल जाएंगे, अगर हाजिर हो जाएंगे तो उसके बाद 3 लोग भी निकाल दिए जाएंगे। और उसके बाद ना 307 हटाई, ना गंभीर धाराएं हटाई और एक तरफा कार्रवाई की गई। जब इनकी तरफ से तहरीर दी गई राशिद भाई के परिवार की तरफ से कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है तो हमारी भी पुलिस को रिपोर्ट, घटना की रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल, पुलिस के पास खुद मौजूद है वो वीडियो जिसमें फायरिंग की गई है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरफा कार्रवाई यहाँ के मंत्री, यहाँ के सत्ता पक्ष भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए और यहाँ के पुलिस अधिकारी अपनी तरक्की पाने के लिए उनको खुश करना चाहते हैं, इसलिए एक तरफा कार्रवाई केवल समाजवादी लोगों पर की जा रही है, बेगुनाह लोगों पर की जा रही है। कल तारिक भाई के बेटे के साले साहब झंडा कला से उनको कोतवाली पुलिस ले आई है, कोतवाली पुलिस ने बैठा रखा है और उत्पीड़न कर रही है उनका कामरा, उनका उनको बैठा लिया है कि राशिद खान को हाजिर करो, जबकि राशिद खान की एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में पड़ी हुई है, न्यायालय में पड़ी है, जब उसका फैसला पहले 6 तारीख थी, फिर 8 हुई, 12, अब 16 है और अपने आप वो फिर भी मान गए और उन्होंने दूसरी तरफ नहीं इस बात को सोचा कि दूसरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, फिर भी अपने आप बेगुनाह होते हुए भी 307 का मुकदमा झेल रहे हैं, तमाम गंभीर धाराओं का मुकदमा झेल रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय उनके परिवार वालों के साथ हो रहा है। तो हम समाजवादी लोग और ये आम जनता, जब ऐसे उत्पीड़न खुलेआम, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे, जो रखवाले हैं वही रखवाली नहीं कर पाएंगे, बल्कि गुंडों की और ऐसे सत्ता पक्ष के दबाव में गुंडों की, कब्जा करने वालों की, जो अपनी हिफाजत करना दूसरों के लिए जो कर रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, उनकी मदद अगर पुलिस करेगी तो आम जनता फिर क्या करेगी। मेरा ये सवाल है कि 3 लोग जो बेगुनाह हैं मुकदमे में, उनको निकाला जाए और जो घरों पर पुलिस दबिश मार रही है उनको ना पकड़ा जाए और वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी जो बेल लगी राशिद खान साहब की, पहले उसमें फाइनल किया जाए कि क्या होता है उसमें, और दूसरे पक्ष के खिलाफ भी वो ही मुकदमा लिखा जाए जिसके हाथ में खुला असलाह होगा, नाजायज असलाह होगा, और उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, जिसके हाथ में लाठी डंडा भी नहीं, केवल बातचीत कर रहे हैं, अपनी चीज को बचाना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा और गंभीर धाराओं का मुकदमा। यही समाजवादी लोग हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे अगर हुआ तो शाहजहांपुर में लोग पलायन कर जाएंगे, शाहजहांपुर में कैसे रह पाएंगे, लोग चले जाएंगे। जारी रहने वाला है और ये हम लोग जब तक इंसाफ की बात, सही बात नहीं मिलेगी, क्यों, पुलिस कहती कुछ है करती कुछ है, थाना कोतवाली की पुलिस ने पहले दिन ही मुकदमा जब लिखा गया था, मेरे संज्ञान में आया, मैंने बात करी अधिकारियों से तो कहा था कि 307 392 हटाकर जीडी में जो झगड़ा है खाली वो दर्ज किया जाएगा, लेकिन 307 लगा दी और अपने यहाँ के सत्ता पक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। मेरी यही मांग है कि ये सारा उत्पीड़न पुलिस का बंद हो, घरों पर दबिश देना बंद हो और जो फर्जी मुकदमे लगे हैं वो वापस हो, दूसरे पक्ष के खिलाफ भी वही कार्रवाई हो, क्योंकि उनके हाथ में नाजायज असला था और
और उनके जो बेगुनाह लोग उसमें हैं जिनको फर्जी लिख दिया गया है वो नाम वापस लिए जाएं, यही हम लोगों की मांग है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम समाजवादी लोग जेल जाने से भी नहीं डरते हैं, आंदोलन और बढ़ेगा। हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, चाहे हम 100 हों, चाहे 50 हों, चाहे 500 हों, चाहे 1000 हों, हम लोग जेल जाने से नहीं डरेंगे। यहाँ तक के हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनके सगे भाई राशिद भाई के आसिफ भाई, बहुत सारे दुकानदार आज दुकानें भी बंद करके वहाँ से उनके समर्थन में आए हैं, और वो आगे भी ये आंदोलन व्यापार मंडल तक की बैठक कराकर पूरा बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, साफ के लिए लड़ती रहेगी।